Hey guys, Park here. Welcome back to another interesting news video. पहली अपडेट निकल कर आती है TSM Ninja versus Jonathan के related. तो कल Instagram पर Jonathan and Ninja ने एक दूसरे को unfollow कर दिया था. And इसके बाद Ninja जब अपने channel पर live आए थे, तो वहाँ पर पूछे जाने पर Ninja ने ये कहा, unfollow क्यों किया Johnny को? ये बता दो बस. Because first Johnny ने मेरे को unfollow किया, तो मैंने भी कर दिया. और जिनको लग रहा है मैंने fake idol माना था, guys, एक बंदे को इतने टाइम तक fake, थोड़ा तुम सोचो कि मैं उसे फेक आइडल मानता तो मैं उसका कंट्रोल जो उसे देख के मैं क्यों खेलता है यार. अब लाइक तुम लोगों को जैसे भी लगे, ठीक है ना, आपका मैं तो तुम्हें दिखा नहीं सकता कि मेरे को पता है मैं उसे कैसे आइडल मानता था. दिल से नहीं मानता था. आई नो, मैं बोलता हूँ दिल से मानता था कि नहीं, लाइक मैं उसे सीखता था चीज़ें. ऐसा नहीं कि भाई कि लाइक फेक ये कर रहा हूँ, तुम लिख रहे हो जो फेक. मैं हर टाइम उसका नाम नहीं लेता. फिर जॉनी का बताओ कि जॉनी मेरा फेवरेट है, सब है. एंड गाइस, अभी तक इसके रिलेटेड जोनाथन की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है. अभी तक केवल हमको निंजा की तरफ से ही सुनने को मिला. अगर जोनाथन इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट है BGMI के कमबैक के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है घातक भाई की तरफ से. तो कल इसके रिलेटेड घातक भाई ने कुछ ट्वीट किए, एंड साथ ही में उन्होंने BGMI के कमबैक को लेकर थोड़ा बहुत ट्रोल भी किया. सबसे पहले उन्होंने कहा, दिसंबर फुल ऑफ लैन टूर्नामेंट्स, मींस दिसंबर के मंथ में हमको काफी सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिलने वाले हैं. बट क्योंकि यहां पर उन्होंने कोई भी गेम का नाम नहीं लिखा है, तो भाई हम नहीं बोल सकते कि किस गेम के टूर्नामेंट. एंड उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए भावेश ने उस पर ये लिखा था, घातक भाऊ पता नहीं अपने इंडिया में ई स्पोर्ट का वैल्यू कभी होगा या नहीं. जिस पर घातक भाई ने कहा, होगा ब्रो. एंड इसके बाद उन्होंने थोड़ा BGMI को ट्रोल करते हुए ये कहा, क्या लगता है BGMI वापस आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो कब तक आएगा एंड कैसे आएगा. और वैसे गाइस, अभी तक रिसेंट न्यूज तो यही थी कि भाई अक्टूबर मिड के पहले BGMI वापस आ सकता है. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है, क्या फ्यूचर में हमको मूवी देख सकते हैं टीम TSM के साथ में. इसके रिलेटेड TSM Blaze से किसी ने उनकी स्ट्रीम पर पूछा कि भाई मवी भाई का गेम प्ले, एंड क्योंकि वो है IGL तो वो TSM के साथ में शूट कर सकते हैं. एंड इस पर Blaze ने ये कहा, माइल बी बेस्ट फॉर TSM इन फ्यूचर, हो सकता है. और गाइस, नेक्स्ट एक थोड़ी सीरियस न्यूज है जो कि निकल कर आती है इन्फोमेंस डायरेक्टरेट्स की तरफ से. तो जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हो, कल ईडी ने सीज किए हैं 7 करोड़ रुपीस का कैश आफ्टर रेड्स ऑन कोलकाता बेस्ड गेमिंग ऐप ई नगेट्स. एंड इसके पीछे का रीजन ये निकल कर आ रहा है कि ईडी ने इसको सीज किया है क्योंकि कोलकाता बेस्ड ये गेमिंग ऐप ई नगेट्स वॉज फाउंड एज पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है TSM Ninja की तरफ से. तो कल उन्होंने अपनी स्ट्रीम पर बात की है एक्वानॉक्स एंड नियो के बारे में. एंड दोनों प्लेयर के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हें दो बंदों का नाम बता दूं, इन दोनों का नाम याद रखना, इनको तुम ओपन में छोड़ दो ना, उनके सामने कोई बंदा आज तक टिक नहीं पाया ना टिकेगा. वो दो बंदे Equinox नहीं होती ना, ये दोनों ओपन में किसी को भी मार सकते हैं. इनका रिफ्लेक्स बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा. ये दोनों खेलते हुए स्टाइल में ना एकदम बहुत फास्ट फास्ट खेलते हैं भाई. तुम Equinox को वेट के देखोगे ना तुम पागल हो जाओगे, इतना फास्ट खेलता है ना, मां कसम भाई. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से. तो पिछले कुछ टाइम से स्काउट अपने चैनल पर रेगुलर स्ट्रीम कर रहे थे, बट पिछले 2-3 दिनों में वो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए थे. एंड कल फाइनली उन्होंने अपनी स्ट्रीम की. एंड इसके बारे में पूछे जाने पर कि भाई क्यों आप 2-3 दिनों से स्ट्रीम नहीं कर पाए थे, स्काउट ने कुछ ये कहा, 2 दिन मिस हुआ है, रीजन घर की शिफ्टिंग एंड पैकिंग चल रही थी. आप देख सकते हो बहुत सारी जगह खाली हो चुकी है, सिवाय इस घर इस रूम के हर चीज खाली हो चुका है. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है Marcos Gaming की तरफ से. तो प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया था कि क्लैश ऑफ क्लैंस एंड Marcos Gaming का क्या मैटर था. एंड इसके बाद भाई आप में से काफी सारे लोग ने जाकर Marcos Gaming को सपोर्ट किया. टीम Marcos Gaming वुड लाइक टू थैंक ईच ऑफ यू हु स्टैंड फॉर Marcos Gaming इन दिस डिफिकल्ट टाइम. एंड इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने अपनी जर्नी शुरू की थी क्लैश ऑफ क्लैंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरे डोमिनेशन के साथ में, बट उसका एंड थोड़ा अच्छा नहीं हुआ जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. एंड साथ ही उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हमारे तरफ से वापस से डोमिनेशन देखने को मिलेगा. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है 7Seas Esports की तरफ से. तो कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो बहुत जल्दी एक बड़ा रिवील करने वाले हैं. एंड टीम 7Seas में जुड़ने वाला है एक न्यू प्लेयर. वैसे आपको ये प्लेयर देख के क्या लग रहा है कि टीम 7Seas में कौन सा प्लेयर ज्वाइन करने वाला है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है Sky Esports के रिलेटेड. तो कल उन्होंने Sky Esports चैंपियनशिप के रिलेटेड एक डेटा को शेयर किया. जब 2019 में ये केवल साउथ इंडिया में हुआ, उसके बाद 2020 में ये पूरे इंडिया में हुआ, 2021 में ये हुआ साउथ एशिया में. एंड इट लुक्स लाइक इसका 4.0 वर्जन काफी बड़ा होने वाला है एंड साउथ एशिया से भी ये एक्सपेंड करने वाला है. और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है Assassin Creed के रिलेटेड. तो Assassin Creed का भी हमको बहुत जल्दी एक मोबाइल वर्जन देखने को मिलने वाला है. जिस चीज को शेयर करते हुए गोल्ड लाइक के मैनेजर कमलजीत पाजी ने इस पर ये कहा, मोबाइल गेमिंग हैज इवॉल्वड सो मच दैट एवरी पब्लिशर इज ब्रिंगिंग देयर मोबाइल वर्जन इन द मार्केट. तो गाइस, आप देख सकते हो कि धीरे धीरे मोबाइल गेमिंग कितनी बड़ी हो रही है कि सभी गेम डेवलपर जो कि पीसी वाले गेम ही बनाते थे, धीरे धीरे अब वो मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं. एंड ये कुछ रिप्लाई है उन लोगों के लिए भी जो कि बोलते हैं कि मोबाइल गेमिंग एक रियल गेमिंग नहीं है. तो बस गाइस, फिलहाल के वीडियो में इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट.